सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं दिखाने वाला हूं मुरादनगर से लेकर और मोदी नगर साउथ के स्टेशन तक और मोदी नगर साउथ RRTS स्टेशन को। तो देख सकते हैं अभी कौन कौन से लेवल के जो आर्म्स को स्टैंड करने का काम था वो भी कर लिया जा चुका है, और प्लेटफॉर्म लेवल के जो आर्म्स को है वो भी स्टैंड कर लिया जा चुका है। अब इसमें गाटर लॉन्चिंग की जा रही है। गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। दोनों साइड में देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो आपको ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत के चैनल पर डे मिलते रहते हैं, और मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं दोस्तों। तो जो जो वर्क अभी बाकी बचा है मुरादनगर स्टेशन से लेकर और मोदी नगर साउथ के स्टेशन के बीच में, कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, कितना बाकी है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो केपी संत के साथ बने रहो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को देखने के लिए मिलता रहता है दोस्तों। तो देख सकते हैं तस्वीरें, जैसे ही हम मुरादनगर स्टेशन RRTS का क्रॉस करते हैं, वैसे ही हम ये नहर पर आ जाते हैं। नहर से यहां से देख सकते हैं ये पिलर बनाए जा रहे हैं, इस पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है। ये दोनों साइड के जो पिलर हैं उनके बीच में गाटर को रख दिया जा चुका है। अब इनको दोनों साइड में जोड़ा जाएगा। तो देख सकते हैं अभी इन पे पिलर कैप का काम किया जाना, इन पे तो पहले ही हो चुका था। और सामने देख सकते हैं वो लॉन्चर लगा हुआ है, यानी कि ये नहर पहले पड़ेगी, नहर के बाद में ये लॉन्चर लगा हुआ है, जो कि ये मुरादनगर की साइड में इसका मुंह है, जोड़ता हुआ मुरादनगर के स्टेशन की साइड में जा रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ तक ये मुरादनगर की नहर स्टार्ट हो जाती है, देख सकते हैं, क्योंकि ये पहला पिलर ये आ चुका है मुरादनगर की नहर पे ही। तो देख सकते हैं ये भारी भरकम लॉन्चर है, और इसमें इस लॉन्चर ने 4-5 पिलर कनेक्ट कर चुका है ये। तो यहीं पर इसका वर्क बचाता, तो 3-4 वीडियो यहाँ के हैं, आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लेना, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि जो भी ये पार्ट था वही बचा हुआ था, क्योंकि बीच में ये नहीं आ सकता था कि बीच में ये ब्रिज बनाया, इसलिए। तो दोनों साइड के देख सकते हैं पिलर को, अभी पिलर कैप बनाया जाएगा। पिलर कैप बनाने के बाद में फिर दूसरा लॉन्चर आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। ये भी इसका भी लॉन्चर का मुंह मुरादनगर की साइड में है दोस्तों, देख सकते हैं। बस यही पैच बचा हुआ है जो मुरादनगर की नहर का पैच है, वो बचा हुआ है कंप्लीट होने के लिए। बाकी तो ये पूरा बायोडक्ट क्लियर हो चुका है दोस्तों मोदी नगर साउथ से पहले। तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और आप लोग इंजॉय करो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस इंफॉर्मेशन देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों।
दोस्तों आपको बता दूं, देखो पैराफिट बॉल बनाने का काम चल रहा है। पैराफिट बॉल लग जाने के बाद में इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाएंगे। खंभे लग जाने के बाद में ओवर इक्विपमेंट वायरिंग लगाई जाएगी, ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, फिर ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा। तो देख सकते हैं दूसरा लॉन्चर ये लग रहा है यहाँ से। तो देख सकते हैं आप सभी, यहाँ तक ये लॉन्चर लगा हुआ है, यहाँ तक बायोडक्टर को क्लियर कर लिया जा चुका है। बाकी का ये पूरे पिलर कंप्लीट हो चुके हैं, बीच बीच में इन पे पियर कैप का काम किया जाना है दोस्तों। और आपको बता दूं कि मोदी नगर साउथ के स्टेशन से पहले ये नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं। इसमें बीच बीच में जो पियर कैप बचे हैं वो लगाए जा रहे हैं पियर कैप को, देख सकते हैं जैसे कि ये पियर कैप लगाया गया है। और भी आगे अभी पियर कैप आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। देख सकते हैं कि नज़ारे देखो यहाँ के, कितना सुंदर चमक रहा है। बीच में पिलर हैं और पिलर भी देख खड़े हुए हैं और रोड निकल रही है दोस्तों। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, तस्वीरें आप लोग देखो आँखों से। और इस पिलर को अभी भरा जा रहा है, भर जाने के बाद में इस पर पियर कैप का काम किया जाएगा। तो देख सकते हैं अभी इसमें रिंग लगाए जा रहे हैं, और ये देख सकते हैं पियर कैप बनाने के बाद में इस पर नापातोली का काम चल रहा है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, कभी बीच बीच में पियर कैप का काम ही बचा है और एक आध जो पिलर बचा था वो भी अभी ये स्टैंड किया जा रहा है, यानी कि इसमें कंक्रीट भरा जा रहा है पिलरों में। बाकी तो ये सारे हो गए हैं, इनमें देख सकते हैं पियर कैप का काम किया जा रहा है। और बाकी बीच में भी अभी कुछ पिलर स्टैंड होने के लिए बचे हैं, क्योंकि उन पर फाउंडेशन बनेगा। फाउंडेशन बनने के बाद में इस पर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, फिर उसमें रिंग लगाए जाएंगे। रिंग लग जाने के बाद में फिर उसमें कंक्रीट भरा जाएगा। कंक्रीट भर जाने के बाद में फिर पियर कैप का काम किया जाएगा दोस्तों। जैसे कि ये भरा गया, देखो ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इसी तरीके से और भी भरे जाएंगे। बीच बीच में अभी वर्क कंप्लीट होने के लिए बचा हुआ है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, अभी यहाँ पर भी पिलर बनेंगे। तो बीच बीच में अभी काफ़ी काम बचा हुआ है मोदी नगर साउथ के स्टेशन तक। बीच बीच में अभी आपको वो बता दूं कि 31,000 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और ये 82 किलोमीटर का रूट है। ये दिल्ली के सरायकाले खां से स्टार्ट होता है और ये मेरठ के मोदीपुरम में जाकर इसका एंड होता है दोस्तों। और जो इस पर रैपिड रेल दौड़ेगी वो 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। तो आप लोग तस्वीरें देख सकते हो, चौथा लॉन्चर ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये अभी स्टैंड किया गया है कुछ दिन पहले ही, तो इसने अभी 3 पिलर को कनेक्ट कर चुका है, ये देख सकते हैं लॉन्चर। और इसका भी मुरादनगर की साइड में इसका मुँह है गाइस, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस में आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को, और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ दोस्तों कि हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं आप लोगों को। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली में ही कल रात में ही मैंने लोगो को अपना चेंज कर दिया है। तो आप लोग लोगो देखकर बताना कि आप लोगों को ये लोगो कैसा लगता है चैनल पर, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो आगे मोदी नगर साउथ का स्टेशन आने वाला है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कि उस पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क चल रहा है इस मोदी नगर साउथ के स्टेशन पर दोस्तों। वो भी आप लोगों को आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो वो सामने चमक रहा है, देख सकते हैं वो आ चुका है मोदी नगर साउथ का स्टेशन। और मोदी नगर में 2 स्टेशन है, एक मोदी नगर साउथ का पहला स्टेशन है, दूसरा मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन है, फिर उसके बाद में आ जाता है। देख सकते हैं पियर कैप का काम चल रहा है और इस पर लॉन्चर लगा हुआ है स्टेशन पर। तो देख सकते हैं कौन कौन लेवल के जो आर्म्स को स्टैंड करने का काम चल रहा है दोनों साइड में, देख सकते हैं वो किया जा रहा है। और प्लेटफॉर्म लेवल का तो बन चुका है, नीचे के कौन-कौन लेवल के ही आर्म्स को स्टैंड किया जा रहा है दोस्तों। तो दोनों ही के अभी देखो प्लेटफॉर्म लेवल के भी आर्म्स को स्टैंड किया जाएगा और कौन-कौन लेवल के आर्म्स को भी स्टैंड किया जा रहा है। तो दोनों ही किए जा रहे हैं और अभी इन पर गार्टर लॉन्चिंग नहीं हुई है, क्योंकि इनको आर्म्स को ही स्टैंड किया जा रहा है दोनों साइड में। देख सकते हैं सेटरिंग लगा दी जा चुकी है इनकी, तस्वीर आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो दोस्तों। क्योंकि मैं कोई झूठ नहीं बोलता, जो है आपके सामने ही रहता है और मैं आप लोगों को क्लियर करके बताता रहता हूँ और दिखाता रहता हूँ दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस
देखने के लिए के पिसंत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को ना सब्सक्राइब किया है तो कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।